ओके, तो भाई फाइनली इंडियन हिस्ट्री का अभी तक का सबसे बड़ा बॉक्सिंग मैच होने वाला नीरज गोयट और जैक पॉल के बीच। इनफैक्ट आज के दो दिन पहले नीरज गोयट पोर्टोरिको भी पहुंच चुके हैं जैक पॉल के सामने। तो एग्जैक्टली ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट कैसे हुआ, ये इंडियन हिस्ट्री का अभी तक का सबसे बड़ा फाइट कैसे, सारा कुछ डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ मैं आपको इस बात को ही बताऊंगा कि नीरज गोयट और जैक पॉल के बीच में कौन सा बंदा इस मैच के अंदर विन करने वाला है। शुरू करते हैं सारा कुछ, उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन लोगों को भाई जैक पॉल के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, भाई ये लोगन पॉल के भाई है। दोनों ही भाई करेंट टाइम अमेरिका के सबसे बड़े यूट्यूबर, साथ ही साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं। स्टार्टिंग में ये दोनों भाई अपना जर्नी को यूट्यूब से स्टार्ट किए थे, बाद में जाकर लोगन पॉल बॉक्सिंग के अंदर आए, जैक पॉल भी बॉक्सिंग के अंदर। अभी आपको करेंट टाइम इनके भाई लोगन पॉल WWE कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है, जहां ये चैंपियन भी है WWE कंपनी के अंदर। WWE कंपनी के अंदर लोगन पॉल टॉप 5 सबसे ज्यादा फी चार्ज करने वाला रेसलर बन चुके हैं। अगर हम लोग इनके भाई जैक पॉल का बात करें तो जैक पॉल अभी भी करेंट टाइम बॉक्सिंग ही कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको और बता दूं भाई, लोगन पॉल और जैक पॉल आज तक किसी भी फाइट के अंदर हारे नहीं है, दोनों अनडिफीटेड है करेंट टाइम। मतलब आज तक कोई ऐसा फाइटर नहीं आया जिन्होंने जैक पॉल और लोगन पॉल दोनों को हराया है। अब वापस अगर टॉपिक को स्टार्टिंग से बात करें तो भाई देखो, जैक पॉल करेंट टाइम पूरे सोशल मीडिया का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर है और आए दिन इसको बहुत सारे बॉक्सर चैलेंज करते रहते हैं मैच के लिए, क्योंकि भाई उस बॉक्सर को भी थोड़ा सा फेम मिल सके। दूसरी साइड अगर मैं आपको नीरज गोयट के बारे में बताऊं तो भाई नीरज गोयट एक्चुअली एक प्रोफेशनल बॉक्सिंग फाइटर है। मतलब ये करीब 10 सालों से बॉक्सिंग कर रहे हैं, इन्होंने बहुत सारे चैंपियंस वर्ल्ड भी जीते हैं। साथ ही साथ अगर आपको नहीं पता तो भाई ये पहले इंडियन आर्मी में थे, बाद में जाकर ये मतलब बॉक्सिंग के अंदर आए। वैसे अगर हम लोग इस पूरे कंट्रोवर्सी का स्टार्टिंग का बात करें तो इस पूरे कंट्रोवर्सी को स्टार्ट करने वाला बंदा नीरज गोयट ही था। आज के करीब 1 से 1.5 महीने पहले नीरज गोयट इंस्टाग्राम के ऊपर एक वीडियो डालते हैं जिसके अंदर उन्होंने सीधा तरीके से जैक पॉल को चैलेंज कर दिया एक रेसलिंग फाइट के लिए। और भाई ये जो वीडियो इन्होंने पोस्ट किया था, अगर आप लोग अभी इंस्टाग्राम के ऊपर जाकर देखोगे तो भाई 65 मिलियन से ऊपर व्यू आ चुका है। और नीरज गोयट भाई यहाँ पर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इंडिया वर्सेज अमेरिका के बीच में एक बॉक्सिंग फाइट इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग दूसरी साइड अगर हम लोग जैक पॉल के बारे में बात करें तो भाई एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए सबसे बड़ा चीज क्या होता है, लोगों का अटेंशन। भाई जैक पॉल को एक बात पता चल चुका था कि ऑडियंस भाई इस पूरे फाइट के अंदर बहुत ज्यादा अपना अटेंशन दे रहे हैं, इसीलिए जैक पॉल उनके वीडियो के नीचे कमेंट भी करते हैं। साथ ही साथ जैक पॉल के टीम वाले भी इस बात को कंफर्म करते हैं कि हम इस मैच के लिए देख रहे हैं। अब हम लोग अगर 1 से 2 हफ्ता पहले का बात करें तो भाई ये मामला बीच में खत्म हो चुका था, पर भाई नीरज गोयट बार बार यहाँ पर वीडियो बना रहे थे। बाद में जाकर ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जाकर जैक पॉल से पूछा गया तो जैक पॉल इस बात को बोले कि मैं इंडिया आने वाला हूँ, इंडिया के अंदर मैं जाकर नीरज गोयट को मैं मारने वाला हूँ। भाई बहुत ऑब्वियस सी बात है भाई, जैक पॉल इंडिया के अंदर नहीं आने वाले, ये मतलब बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ये दोनों भाई का ही काम है। अगर आपको याद होगा तो भाई इससे पिछला फाइट जो जैक पॉल का हुआ था उस फाइट के अंदर बहुत सारे कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिले। वैसे भाई अगर हम लोग आज के 2 दिन पहले का बात करें तो 2 दिन पहले जैक पॉल स्टोरी के अंदर डालते हैं कि नीरज गोयल मैं पोर्टोरिको के अंदर हूँ, अगर मिलना तो आके मेरे से मिल ले। नीरज गोयट भाई पहुंच भी जाते हैं जैक पॉल से मिलने के लिए, जिनके बीच में थोड़ा सा हमें हाथापाई भी देखने को मिलता है। हाँ भाई आप लोग इसको रियल मत मानना भाई, सारा चीज एक स्क्रिप्टेड होता है, मतलब फाइट को थोड़ा सा हाइप करने के लिए सारा चीज किया जाता है। अभी भाई करेंट टाइम 80-90% कन्फर्म हो चुका है कि इनका फाइट होने वाला, वो भी बहुत जल्द इसी साल होने वाला 1 से 2 महीने के अंदर। एक चीज मैं आपको और बता दूं भाई, अगर इंडियन ऑडियंस अगर यहाँ पर नहीं होती तो भाई ये फाइट पॉसिबल ही नहीं था। आज हमारा देश बहुत महान है, विश्व गुरु हमारे देश को कहा जाता, पर विश्व गुरु के नाम पर ढोंग किया जाता हमारे देश के अंदर। ये हमारा देश का आज के टाइम पर बहुत बड़ा रियलिटी है कि हमारा देश किसी भी सेक्टर में बहुत आगे नहीं चल रहा, स्पेशली स्पोर्ट्स सेक्टर में बहुत ज्यादा पीछे चल रहा है। आप लोग खुद रियलाइज करो, आज के 1 महीने पहले आप नीरज गोयट को नहीं पहचानते होंगे, आप लोग जैक पॉल को पहचानते होंगे। जिस कंट्री के अंदर ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर के साथ रेप केस होता है उनको उसके बावजूद भी जेल के अंदर डाला जाता है। अंत में जाकर वो रेसलर इंसाफ ना मिलने पर अपना बूट्स को भी जनता के सामने रख देते हैं, उसके बावजूद भी सरकार इनको इंसाफ नहीं देती। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर पिछले 2 साल से गुहार लगा रहे हैं, आज फिर से वो रेसलर वही पोजीशन के ऊपर जाकर खड़े हो चुके हैं। ब्रिजभूषण जिन्होंने इनका रेप किया था आज भी वो बीजेपी के अंदर है, आज भी वो खुलेआम घूम रहा है। तो हम लोग ऐसे कंट्री और ऐसे सरकार से बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि स्पोर्ट्स में हमारा सरकार हमारा मदद करे। अगर ये फाइट हो रहा है तो सिर्फ जनता के बदौलत हो रहा है, अगर जनता अगर नहीं अटेंशन दिखाती तो ये फाइट बिल्कुल भी नहीं होता। वैसे मैं आपको बता दूं भाई, नीरज गोयट और जैक पॉल के बीच में वेट का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। करेंट टाइम में नीरज गोयट का वेट 65-70 kg है, वहीं अगर हम लोग जैक पॉल का बात करें तो जैक पॉल का भाई करेंट टाइम वेट 80 kg के अप्रोक्स है। तो भाई अगर ये फाइट होता है तो भाई यहाँ पर वेट का एडवांटेज बहुत ज्यादा यहाँ पर जैक पॉल को मिलने वाला है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। हाँ भाई अगर हम लोग नीरज गोयट के बारे में बात करें तो भाई ये बहुत ही ज्यादा फास्ट बॉक्सर है, एक प्रोफेशनल बॉक्सर है, तो इनके पास ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। ओवरऑल भाई अब ये फाइट होने वाला है, ये फाइट बहुत ग्रेट होने वाला है, 1 से 2 महीने के अंदर ये फाइट होने वाला है। भाई इस फाइट का होने का जितना भी क्रेडिट है सारा इंडियन ऑडियंस की तरफ जाता है, भाई इंडियन ऑडियंस सोशल मीडिया के ऊपर बहुत अच्छा पकड़ बनाई हुई है। वैसे भाई मेरे ख्याल से ये फाइट इंडिया के अंदर करेंट टाइम होना थोड़ा सा मुश्किल है भाई, उसके पीछे का रीजन सारे लोगों को पता होगा, इंडियन गवर्नमेंट और उनका पॉलिसी इतना खतरनाक वाला है कि यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है फाइट को करवाना। डेफिनेटली ये फाइट अमेरिका के अंदर होने वाला है, ये फाइट बहुत बड़ा फाइट होने वाला है। और भाई मैं भी आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा इस फाइट को प्रमोट करो ताकि भाई इंडिया भी इस सेक्टर में आगे आ सके, क्योंकि हमारा देश का बढ़ाने का काम हमारा हमारा गवर्नमेंट का नहीं, हमारा गवर्नमेंट का काम है हिंदू मुस्लिम के बीच में फाइट करवाना। आप लोग रिसेंट टाइम में देखो अंशुल जुबली UFC के अंदर गए थे,
मेरे ख्याल से इंडिया का दूसरा या तीसरा शायद से मतलब फाइटर रहे। और ये मेरे ख्याल से शर्म की बात है कि हमारा इंडिया का बहुत कम फाइटर हमें ग्लोबली देखने को मिलते हैं। हम इंडियन ऑडियंस के पास सोशल मीडिया का ताकत है, हम लोग को ही पूरे फाइट को प्रमोट करना चाहिए। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ भाई, ये फाइट अगर हो रहा है तो इंडियन ऑडियंस का बदौलत हो रहा है, क्योंकि भाई जैक पॉल को बहुत सारे लोग चैलेंज करते हैं। भाई इंडियन ऑडियंस ने इतना प्यार दिखाया, इतना साथ दिखाया कि भाई तब ये मैच मतलब पॉसिबल हो गया। वैसे भाई आपका क्या ख्याल है इस मैच के बारे में, सारे लोग अपना कमेंट सेक्शन में राय जरूर से देना मत भूलिए। हाँ, सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा भाई। ये जब फाइट होगा तो सबसे पहले आपको मेरे चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा, पूरे यूट्यूब के ऊपर।